शिवम भाई आपके लिए, नेपाल की राजधानी क्या है? ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली, बी मुंबई, सी काठमांडू, डी कोलंबो। शायद इस क्वेश्चन का आंसर आपको ऐसा लग रहा है, उसके बारे में मुझे तो पता नहीं है, मेरे को शायद ऐसा लग रहा है कि इसका जो सवाल का जवाब है कोलंबो होगा शायद। तो आई थिंक मुझे भी वैसे ही लग रहा है, लेकिन मुझे लग रहा था कि काठमांडू होगा, लेकिन आई थिंक कोलंबो ही ठीक है। तो शुभम भाई ने अभी लॉक कर दिया है कोलंबो को। तो गाइस इसका जो सवाल का जवाब था वो रॉन्ग बता दिया है शुभम भाई ने, इसका सही सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर सी नेपाल की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देवेश बिल्डर और आप देख रहे हैं देवेश बिल्डर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों मैं कुछ दिन पहले एक बात का जिक्र किया था, तो मैं कुछ एक नया शो चालू करने वाला था, तो वो शो मैं आज चालू करने वाला हूँ और ये शो हमारा फर्स्ट शो है। और दूसरी बात एक बताना चाहता हूँ कि एक इस गेम के कुछ रूल है, यानी आपको मैं कम से कम 10 सवाल पूछूंगा, आपको कम से कम उसमें के 5 सवाल के जवाब देने चाहिए। कभी आपने 10 सवाल में के 5 सवाल के जवाब कभी दे दिए तो आपको मैं एक गिफ्ट दूंगा। और आपको शायद ऐसा लगता है कि वह हम 10 सवाल के जवाब नहीं दे पाएंगे, तो फिर भी आपको गिफ्ट मिलेगा, क्योंकि इस शो में आप खाली हाथ नहीं जा सकते। तो ये मेरा शो है और इसका नाम है पीजीके शो। तो उसमें अभी पार्टिसिपेट करने वाला है मेरा दोस्त, तो आप उससे मिलिए दोस्तों। तो जिनसे मैं आपको मिलाना चाहता था तो वो आ चुके हैं, तो आपका नाम बोलिए सर। हाय दोस्तों, मैं हूँ शुभम केरकर और आप सब मुझे देख रहे हैं देवेश बिल्डर यूट्यूब चैनल। ये शो चालू करने वाले हैं। चालू करने से पहले एक बात और बताना चाहता हूँ कि शुभम भाई इस खेल के विजेता हो या नहीं हो, तो आपको ये वीडियो आपको देखना है, एंड तक देखना है कि शुभम भाई इस गेम के विजेता होने वाले हैं या नहीं होने वाले हैं। तो मैं इनके लिए एक सवाल पूछूंगा। पहला सवाल है शुभम भाई आपके लिए, पहला सवाल, भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए पंजाब, बी बिहार, सी हिमाचल प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। तो शुभम भाई आपको फिर से एक बार पढ़ के बताता हूँ मैं, भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए पंजाब, बी बिहार, सी हिमाचल प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। तो शुभम भाई ने हमारे सवाल का जवाब सही दिया है। तो सवाल था, भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? तो उसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। तो हम चलते हैं और सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो शुभम भाई आपके लिए सेकंड क्वेश्चन, दूसरा सवाल, अंतर्राष्ट्रीय योग दिन कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 21 मार्च, ऑप्शन नंबर बी 21 जून, ऑप्शन नंबर सी 21 मई, ऑप्शन नंबर डी 21 अगस्त। तो फिर से एक बार मैं दोहराता हूँ क्वेश्चन को, अंतरराष्ट्रीय योग दिन कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 21 मार्च, बी 21 जून, सी 21 मई, ऑप्शन नंबर डी 21 अगस्त। ऑप्शन नंबर बी 21 जून। तो गाइस शुभम भाई ने भी सवाल का जवाब सही दिया है। तो अंतरराष्ट्रीय योग दिन कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी 21 जून को मनाया जाता है। तो और हम बढ़ते हैं तीसरे सवाल की ओर। तो आपका तीसरा सवाल है, कुतुब मीनार किस शहर में है? ऑप्शन नंबर ए आगरा, ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी बीजापुर, ऑप्शन नंबर डी हैदराबाद। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये शायद डिफिकल्ट चाहना जाने वाला है। फिर से मैं आपको एक बार जो सवाल है दोहराता हूँ, कुतुब मीनार किस शहर में है? ऑप्शन नंबर ए आगरा, बी नई दिल्ली, सी बीजापुर, डी हैदराबाद। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली इस सवाल का आंसर जो है वो है नई दिल्ली। तो दोस्तों शुभम भाई ने इस सवाल का जवाब शायद रॉन्ग दिया हुआ है। तो गाइस इस भी सवाल का शुभम भाई ने आंसर सही दिया है, तो इसका सही जवाब है नई दिल्ली। तो हम चलते हैं अब चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा सवाल, भारत में शिक्षक दिन कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 5 सितंबर, बी 5 अप्रैल, सी 5 अगस्त, डी 5 दिसंबर। डेफिनेटली द आंसर इज 5 सितंबर। तो शुभम भाई ने इस सवाल का भी जवाब दिया।
सवाल नंबर 5 मैं आपके लिए, नेपाल की राजधानी क्या है? ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली, बी मुंबई, सी काठमांडू, डी कोलंबो। शायद इस क्वेश्चन का आंसर आपको ऐसा लग रहा है, उसके बारे में मुझे तो पता नहीं है, मेरे को शायद ऐसा लग रहा है कि इसका जो सवाल का जवाब है कोलंबो होगा शायद। आई थिंक मुझे भी वैसे ही लग रहा है, लेकिन मुझे लग रहा था कि काठमांडू होगा, लेकिन आई थिंक कोलंबो ही ठीक है। तो शुभम भाई ने अभी लॉक कर दिया है कोलंबो को। तो गाइस इसका जो सवाल का जवाब था वो रॉन्ग बता दिया है शुभम भाई ने। इसका सही सवाल का जवाब है काठमांडू, ऑप्शन नंबर सी। तो नेपाल की राजधानी क्या है? तो काठमांडू है शुभम भाई, आपने मिस कर दिया। हमारा काम ही वैसा है, तो हमारे 4 क्वेश्चन के सवाल आपने सही दिए है और 5वां सवाल आपने गमा दिया है। हम चलेंगे अभी 6ठे सवाल के ऊपर। तो मैं आपके लिए, प्राचीन भारतीय महाकाव्य रामायण किसने लिखा था? ऑप्शन नंबर ए महर्षि वाल्मीकि, ऑप्शन नंबर बी तुलसीदास, ऑप्शन नंबर सी व्यास, ऑप्शन नंबर डी विश्वामित्र। डेफिनेटली ऑप्शन नंबर 1 महर्षि वाल्मीकि। तो शुभम भाई ने इस सवाल का जवाब दे दिया है और आपने, मैंने आपको 6 सवाल पूछे और उसमें के शुभम भाई ने 5 सवाल के जवाब दे दिए, इसलिए थैंक यू सो मच ऑल गाइस। तो गाइस चलेंगे, फिर भी हमने इस गेम के जो रूल थे, तो रूल के हिसाब से हमें पूरे 10 सवाल पूछने हैं इनसे। तो शुभम भाई आप काम क्या करते हो? मैं अभी फिलहाल तो पढ़ाई कर रहा हूँ, इसलिए आप ज्यादा एक्सपर्ट है और आप जीके में भी एक्सपर्ट लग रहे हैं हमें, क्योंकि सिर्फ एक ही जो सवाल था उसका आंसर रॉन्ग होगा, वो भी मेरे से, शायद मेरे से ही हो चुका है कि मैंने आपको कंफ्यूज कर दिया था उसमें। तो हम चलेंगे अब 7वें क्वेश्चन के ओर। तो 7वां क्वेश्चन है आपके लिए, 7वां सवाल शुभम भाई, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए गंगा, बी यमुना, सी तापी, डी गोदावरी। शुभम भाई फिर से मैं एक बार एक क्वेश्चन दोहराना चाहता हूँ, और तो भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए गंगा, बी यमुना, सी तापी, डी गोदावरी। लॉक किया जाए, डेफिनेटली आंसर नंबर 1 गंगा नदी। कंफर्म गंगा नदी है? कंफर्म या तापी है? गंगा नदी। फिर से एक बार सोच लीजिए शुभम भाई, कौन सा है? कंफर्म गंगा नदी। तो गाय शुभम भाई ने इस सवाल का भी जवाब दे दिया है, गंगा नदी सही जवाब है ये। और हम चलेंगे अभी सवाल नंबर 8 के ऊपर। तो 8 नंबर का सवाल है शुभम भाई आपके लिए, थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल है शायद। सानिया मिर्जा कौन सा खेल खेलती है? ऑप्शन नंबर ए फुटबॉल, बी टेनिस, सी हॉकी, डी बैडमिंटन। शुभम भाई फिर से जवाब, ये सवाल पूछता हूँ मैं आपको, सानिया मिर्जा कौन सा खेल खेलती है? ऑप्शन नंबर ए फुटबॉल, बी टेनिस, सी हॉकी, डी बैडमिंटन। ऑप्शन नंबर 2 टेनिस। सोच लो एक बार, बैडमिंटन भी है। कंफर्म क्लिक किया जाए, बैडमिंटन भी जो महीने से जो प्रयास है उनका चालू है। और गाइस उन्होंने ये भी इस सवाल का भी जवाब सही दे चुके हैं। तो और हम चलेंगे और उसके अगले क्वेश्चन के ओर। तो अगला क्वेश्चन है 9 नंबर का। तो अभी बाकी सिर्फ 2 सवाल, और 2 सवाल के पूछने से पहले मैं शुभम भाई के लिए एक बात और बताना चाहता हूँ। शुभम भाई आप पढ़ाई कितनी तक हो चुकी है आपकी? मेरा ग्रेजुएशन हो चुका है दोस्तों, और मैं अभी एमपीएससी के लिए ट्राई कर रहा हूँ। इसी वजह से शायद इन सब क्वेश्चन को मैं हल्की तरह से आंसर दे जा रहा हूँ, और सवाल भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। नहीं है, क्योंकि मेरा पहला शो है और पहले आप उसके पार्टिसिपेट, आपने पहला पार्टिसिपेट है आप। मैंने ऐसे सवाल क्यों पूछे, क्योंकि आगे चल के भी कोई ना कोई और आना चाहिए, तो लोग ऐसे डर जाएंगे कि भाई शो तो चालू हो चुका है, इसमें भाई क्या बोलने वाले क्या नहीं है। तो गाइस ये पूरा शो लाइव है और शो को जरूर देखिए। अभी बाकी है 2 सवाल, 2 सवाल कैसे जवाब देने वाले हैं शुभम भाई, तो फिर से सवाल पूछेंगे। 9 नंबर का सवाल है शुभम भाई आपके लिए, 9 नंबर का सवाल आपके लिए शुभम भाई फिर से। भारत में स्वतंत्र दिन कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 15 जनवरी, बी 26 जनवरी, ऑप्शन नंबर सी 24 अगस्त, ऑप्शन नंबर डी 15 अगस्त। बिल्कुल आंखें बंद करके 15 अगस्त। तो गाइस शुभम भाई ने इस सवाल का जवाब सही दिया है, तो हम 15 अगस्त को मनाते हैं। तो हम लास्ट सवाल है, लास्ट सवाल पूछने वाले हैं हम आपसे शुभम भाई, सवाल आपके लिए। महात्मा गांधी जी का जन्म भारत में कहाँ हुआ? ऑप्शन नंबर ए आगरा, बी मुंबई, सी बेंगलोर, डी पोरबंदर। तो इस सवाल का आंसर है, सोच के दीजिए शुभम भाई,
महात्मा गांधी जी ज्यादातर मुंबई में रहते थे तो उनका शायद आप सोचो फिर से सोचो। अब इस बार आप मुझे कितना भी फंसाना चाहोगे तो भी मैं नहीं फंसने वाला क्योंकि इस सवाल का आंसर डेफिनेटली है पोरबंदर। तो गाइस सवाल का जवाब शायद नहीं दिया है, इसका सही जवाब है पोरबंदर। और यहाँ पे शुभम भाई इस खेल के विजेता बन चुके हैं, सिर्फ शुभम भाई ने एक सवाल का जवाब नहीं दिया हुआ है। तो गाइस शुभम भाई को अभी मैं देने वाला हूँ बढ़िया सा एक गिफ्ट। एक गिफ्ट है आपके लिए, ओ माय गॉड, G2 मेमोरी कार्ड वाले ब्लूटूथ। अभी फिलहाल इसकी कीमत है मार्केट में 600 रुपए तक। और शुभम भाई मैं कब से आपको देख रहा था कि आप कह रहे थे कि भाई हमें अच्छे से हेडफोन चाहिए तो मैंने सुन लिया था भाई। और आपके लिए है आपका गिफ्ट है। थैंक यू सो मच दोस्तों, आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल देवेश बेलदार। तो ये होगा आपका गिफ्ट। और हमारे चैनल के बारे में कुछ बताइए कि लोगों को कैसा लगना चाहिए और क्या करना चाहिए। आप सभी देख रहे हो, आप सभी पार्टिसिपेट भी कर सकते हो, आप भी अपने दिल जैसा एक गिफ्ट पा सकते हो। सिर्फ आपको कांटेक्ट करना है देवेश भाई से और देवेश भाई के इस कॉन्टेस्ट शो में आपको पार्टिसिपेट करना है। ऑल द बेस्ट और ऑल यू। आप हमारे कमेंट में आपका कॉन्टेक्ट नंबर दे सकते हैं, मैं डायरेक्ट आपको कॉन्टेक्ट भी कर लूंगा और आपको इनविटेशन करूंगा। और आपको मेरी दुकान शायद पता नहीं होगी, तो हमारी दुकान है, हमारी जो शॉप है जो अभी ये शो जो जहाँ चालू है अभी कोरा कापड़ा में चालू है और एक कोरा कापड़ा में ओएसपी नाम से मेरी शॉप है। तो वहाँ पे आके आप आपका नाम दे सकते हैं और आप भी जीत सकते हैं इस तरीके का गिफ्ट, मन चाहा गिफ्ट। तो गाइस शो माई हमारे शो में आए, धन्यवाद। और हमारा जो वीडियो है, वीडियो में आपको लास्ट में एक सवाल पूछूंगा और सवाल का जवाब जिसने दिया तो मैं उसको भी दूंगा एक गिफ्ट। मैं सवाल जरूर पूछूंगा, सिर्फ सवाल का जवाब देना है आपको, उसमें चार पर्याय रहेंगे आपको और आपको जवाब देना है उनका कमेंट में जो जवाब देगा उनके लिए मिलेगा अच्छा सा गिफ्ट। तो गाइस कमेंट करना ना भूले और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। शुभम भाई आप भी बोलिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक जरूर कीजिए और हमारे वीडियो देखते रहिए और शेयर भी करिए। और हम मिलेंगे आप सेकंड शो में जीके शो। एक सवाल आपके लिए, प्रसिद्ध लखनऊ शहर किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन नंबर ए गंगा, बी यमुना, सी गोमती, डी गंडक।